नमस्कार साथियों, न्यू उड़ान क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर गौरव कुमार जैन, बीबीएससी एमवीएससी इन मेडिसिन। आप लोगों को आज वेटनरी फार्मेकोलॉजी पशु औषध विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं अपन वेटरनरी। फार्मेकोलॉजी, वेटनरी फार्मेकोलॉजी जिसको अपन लोग हिंदी में बोलेंगे पशु औषध विज्ञान। क्या बोलेंगे? पशु औषध, पशु औषध विज्ञान। क्या है ये पशु औषध विज्ञान? पशु औषध विज्ञान यानी पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी औषधि के, अपन यहां पर दवाइयों के बारे में बात करेंगे, जो औषधि है मेडिसिन है उनके बारे में बात करेंगे। तो किसी भी औषधि के उसका स्रोत, हमने उसको कहां से प्राप्त किया, उसका कार्य, उसका कार्य क्या है, और उसका, उसकी कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, उसकी कोई विषाक्तता तो नहीं है। देखिए आप लोग समझे इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पशु औषध विज्ञान यानी पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम बात करेंगे किसी भी औषधि के स्रोत यानी उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, उसकी उत्पत्ति का सोर्स स्रोत क्या है, कार्य उसने क्या कार्य करना है शरीर के अंदर जाकर, क्या वो बुखार को कम करेगी या फिर वो दर्द निवारक का काम करेगी, और उसकी कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, टॉक्सिसिटी तो नहीं है मतलब उसकी कोई विषाक्तता तो नहीं है, क्या आप उसको शरीर में लेंगे तो वो किसी शरीर के किसी अंग को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, तो हम इसके अंदर बात करेंगे स्रोत की, कार्य की और विषाक्तता की। तो जब अब देखिए आप, हम इसको पशु औषध विज्ञान को वेटनरी फार्मेकोलॉजी, वेटनरी फार्मेकोलॉजी को अपन लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी तीन भागों में इसका विभाजन होगा, तीन भाग में इसका विभाजन होगा। क्या क्या होंगे हम लोग देखते हैं, हम लोग परिभाषा जो थी ना उसी के इसके डिवीजन है। आप लोग इसको देखें और समझें एक बार के लिए कि वेटनरी फार्मेकोलॉजी का सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या होगा इसका, वेटनरी फार्मेकोलॉजी का सबसे पहला पार्ट होगा मैट्रिया मेडिसिन, मैट्रिया मेडिसिन। सेकंड इसका पार्ट जो होगा वो होगा थेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स। और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा टॉक्सिकोलॉजी, तीसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा इसका, टॉक्सिकोलॉजी। मैट्रिया मेडिसिन, थेरेपेटिक्स और टॉक्सिकोलॉजी, तीन इसके पार्ट्स होंगे। मैट्रिया मेडिसिन के अंदर अपन किसकी बात करेंगे, क्या उसका सोर्स है, हमने जो बात की ना सोर्स यानी चिकित्सा सामग्री, हम बात करेंगे इसके अंदर हमारी चिकित्सा की सामग्री क्या है, चिकित्सा सामग्री की बात करेंगे। और दूसरे में हम लोग बात करेंगे थेरेपेटिक्स में चिकित्सा की पद्धति की, हमने उपचार के लिए चिकित्सा के लिए क्या पद्धति यूज में ली, हम उसकी बात करेंगे चिकित्सा पद्धति की। और टॉक्सिकोलॉजी में अपन बात करेंगे विष और विषाक्तता की, विष एवं विषाक्तता की बात करेंगे, विष एवं विषाक्तता इसकी बात करेंगे। यानी हम लोग मैट्रिया मेडिसिन, मैट्रिया मेडिसिन के अंदर अपन बात करेंगे चिकित्सा सामग्री, हमने इसके मतलब किसी भी रोग के निदान के लिए औषधि की, औषधि का जो है उसके कौन से तत्वों को काम में लिया, उसके लिए क्या अपने टेक्निक जो पद्धति क्या काम में ली। और तीसरे में अपन बात करेंगे विष एवं विषाक्तता की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं, सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे पशु औषध विज्ञान, पशु औषध विज्ञान की क्या डेफिनेशन होगी, पशु औषध विज्ञान, पशु औषध विज्ञान इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन अपन लोग लिखते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, पशु चिकित्सा
पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी औषधि के उत्पत्ति के स्रोत स्रोत कार्य एवं विषाक्तता का अध्ययन किया जाता है। यही मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। पशु औषधि विज्ञान क्या है? पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी औषधि के उत्पत्ति के स्रोत, उसके कार्य और उसकी विषाक्तता का अपन लोग अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो ये क्या हो गया? पशु औषधि विज्ञान हो गया। हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? मैंने इसको 3 भागों में बांटा था। मैंने आपको बताया था सबसे पहला इसका भाग क्या था, मैट्रिया मेडिसिन। सबसे पहला पार्ट क्या था इसका, मैट्रिया मेडिसिन। मैट्रिया मेडिसिन में हम लोग क्या करते हैं, औषधि के स्रोत यानी चिकित्सा सामग्री का अध्ययन करते हैं। यानी सोर्स क्या है आपके पास, हम लोग जब उसकी बात करेंगे कि हमारे पास इसका सोर्स क्या है का अध्ययन। मैट्रिया मीडिया कि औषधि के स्रोत, यानी हम लोगों के पास चिकित्सा सामग्री का अपना स्रोत क्या, हमने कहां से उसको प्राप्त किया। ठीक है, कोई भी अगर मेडिसिन होगी, जैसे हम लोग बात करते हैं तुलसी की बात करते हैं, तो तुलसी का जो है ना, उसमें से हम अर्क निकालते हैं उसका ऑसिमिन, तो उसके शरीर पर एंटीबायोटिक के जो इफेक्ट्स आते हैं, तो उसमें सोर्स क्या है, तुलसी उसका सोर्स है। हमने उसको वहां से प्राप्त किया, उसके अंदर से हमने एक्सट्रैक्ट निकाला जो कि ऑसिमिन होता है। तो उसी तरीके से उसका सोर्स क्या हो गया, अपने तुलसी हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अपना जो सेकंड है, इसके अंदर इसके फिर से अपन इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स क्या क्या हो जाएंगे इसका, इसका सबसे पहला पार्ट होता है फार्मेकोग्नोसी। अब ये वर्ड जो ना ग्नोसी, ये वर्ड कहीं ना कहीं डायग्नोसिस से रिलेटेड है। डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज में से वो कौन से तत्व हैं जो कि औषधि का काम करेगा। हम कोई भी अगर पार्टिकल लेते हैं, या फिर जैसे अपन तुलसी लेते हैं, तो तुलसी के अंदर पूरी जो तुलसी है ना, वह दवाई का काम नहीं करेगी। उसके अंदर से कोई पार्टिकल है, कुछ उसके ऐसे रसायन है जो कि दवा का काम करेगी। तो सबसे पहले फार्मेकोग्नोसी यानी डायग्नोसिस करना, उसको पहचानना कि इसमें से कौन से जो तत्व होंगे, यानी औषधि के रूप में आने वाले तत्व की पहचान, औषधि के रूप में आने, औषधि के रूप में आने वाले तत्व को पहचानना, औषधि के रूप में आने वाले तत्व को पहचानना ही क्या है फार्मेकोग्नोसी। बहुत इजी है, आप लोग समझ गए होंगे कि फार्मेकोग्नोसी का मतलब क्या होता है। औषधि के रूप में जो भी तत्व काम में आ रहा है, हम उसको पहचान रहे हैं कि भाई इसके अंदर से ये जो तत्व है वो मेडिसिन के रूप में काम आएगा, तो वो क्या हो जाएगा अपना फार्मेकोग्नोसी। सेकंड जो अपन बात करेंगे इसके अंदर, फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर अपन क्या बात करते हैं,
फार्मेसी के अंदर हमने पहले उसको पहचाना, अब उसको एसिमिलेट करना, उसको दवा के रूप में बनाना, यानी पहचाने गए तत्व को, तत्व को दवा के रूप में बनाना। आपने जो तत्व पहचाना है उसको दवा के रूप में एसिमिलेट करना, वो क्या हो जाएगा? फार्मेसी। जैसे कि मैंने किसी तत्व को पहचाना, अब मैं उसको टैबलेट का रूप दे रहा हूं, तो वो क्या हो गया कि अपन ने उसको तत्व का पहचाना, फार्मेसी का मतलब हो गया तत्व को दवा के रूप में बनाना। ठीक है, तो ये इसके अंदर इसका दूसरा पार्ट हो गया। ओके, फिर अब इसका तीसरा जो पार्ट आता है उसका नाम होता है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी, अरे भाई आपने दवा तो बना ली, ठीक है, पहले आपने किसी में से तत्व को पहचान लिया कि भाई ये तत्व औषधि का काम करेगा, दूसरी बात आपने उसको दवा के रूप में निकाल भी लिया कि भाई ये इसको इस दवा के रूप में देना है। अरे कितनी मात्रा में देना है, 1 किलो देना है, 2 किलो देना है, या 1 ग्राम देना है, 2 ग्राम देना है? तो वो जो है पोसोलॉजी, उसकी दवा की खुराक को निर्धारित करना, दवा की खुराक को निर्धारित करना, उस औषधि की खुराक, खुराक का मतलब डोज, क्या मतलब हो गया? डोज, खुराक को निर्धारित करना, खुराक को निर्धारित करना। तो पोसोलॉजी क्या हो गया? दवा की खुराक को निर्धारित करना। आपने इसके अंदर देखे मैट्रिया मेडिसिन जब हमने देखा था, अब लोग देखें वापस अपन ब्रेक आते हैं, तो मैट्रिया मेडिसिन क्या था? औषधि के स्रोत यानी चिकित्सा सामग्री का जो स्रोत है उसकी स्टडी करना। अब उसके अंदर फिर से 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी क्या कहना चाहता है आपसे कि भाई मुझे पहचानो। फार्मेकोग्नोसी यानी डायग्नोस करना, उसको पहचानना कि इसमें से कौन सा जो तत्व है जो औषधि के रूप में काम आएगा। अब आपने जब उसको पहचान लिया, आपने जब उसको डायग्नोस कर लिया कि भाई ये जो तत्व है ये जो औषधि के रूप में काम में आएगा, तो उसको संधारित्र करना यानी उसको बनाना औषधि के रूप में, उसको दवा का रूप देना, तो वो क्या हो जाएगा? फार्मेसी। और तीसरा होता है पोसोलॉजी यानी दवा की खुराक को निर्धारित करना। जैसे मान लीजिए कि ना हमने सबसे पहले एक साल्ट लेते हैं, मान लीजिए अपन ने मेलोक्सिकेम अपने एक साल्ट हो जाए जो अपनी जनरली अपन लोग क्या करते हैं दर्द निवारक के रूप में काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हमने उसको कहीं से बनाया, तो बना उसको पहचाना कि भाई ये मेलोक्सिकेम जो साल्ट है ये दवा के रूप में दर्द निवारक के रूप में काम आ सकता है, तो वो तो क्या हो जाएगा अपना सबसे पहला, वो अपना सबसे पहला हो जाएगा फार्मेकोग्नोसी कि भी मेलोक्सिकेम साल्ट की पहचान हो गई है कि ये दर्द निवारक के रूप में काम में आएगा। अब मेलोक्सिकेम के टैबलेट बोलस भी आते हैं, टैबलेट भी आती है, और मेलोक्सिकेम की जो है वह इंजेक्शन भी आते हैं, तो उनको दवा के रूप में बनाना, वो क्या हो गया? फार्मेसी। और तीसरा जो है पोसोलॉजी, भाई कितना देना है, तो दर्द निवार अगर वो दर्द निवारक के रूप में काम में लेना है या फिर नोमोनिया में काम में लेना मेलोक्सिकेम को, तो उसकी फिर उस हिसाब से अपन डोज निर्धारित करते हैं कि 0.1-0.2 mg लेना है पर केजी बॉडी वेट या फिर 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट लेना है। तो आप मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर फार्मेसी, पोसोलॉजी और फार्मेकोग्नोसी आपसे क्या कहना चाहता है। इसके बाद में अपन लोग बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर थेरेपेटिक्स। बहुत इजी थेरेपेटिक्स, एकदम इजी है, बिल्कुल जिंदा मत करो। आप जब इसको देखेंगे ना थेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स को अपन नॉर्मली कहते हैं थेरेपी, चिकित्सा पद्धति, कि इसका लिटरल मीनिंग जो होगा वो आप ऐसे समझ लें चिकित्सा पद्धति। हमने क्या टेक्निक काम में ली, हमने टेक्निक क्या काम में ली, थेरेपेटिक्स का सिंपल सा मीनिंग है कि हमने क्या टेक्निक यहां पर काम में ली जिसकी वजह से हमने क्या किया उस डिजीज को, वो जो रोग है उसको अपन ने दूर किया। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आप लोग देखें इसका जो पहला पार्ट है, पहला जो पार्ट है उसका नाम है एम्पीरियल थेरेपी। एम्पीरियल थेरेपी, तो इंपीरियल थेरेपी यानी आपके पास पूर्व ज्ञान के आधारित, पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित अगर आप किसी का चिकित्सा कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे क्या होता है कि जैसे हम कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है, अपन लोग दवाई ले लेते हैं, फिर अपने पास वापस अगर वही बीमारी हो जाती है तो अपन वापस वही डॉक्टर को बिना पूछे दवाई लेकर आ गए, तो अपने पास
ये एक तो हो गया, इसको भी अपन पूर्व ज्ञान बोल सकते हैं, या फिर एक होता है ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान। अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे मान लो कि गाय भैंस को अगर ना आफरा आ रहा है तो वो क्या करेंगे, सरसों का तेल दे देंगे या फिर हींग दे देंगे, तो वो क्या उनको परंपरागत, उनके उनको पुरखों ने बताया, उनको उनके पुरखों ने बताया। तो ये जो थेरेपी है उसको अपन बोलते हैं इंपीरियल थेरेपी। इंपीरियल थेरेपी यानी पूर्व ज्ञान के आधार, पूर्व ज्ञान पर आधारित, पूर्व ज्ञान पर आधारित चिकित्सा पद्धति। यानी आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व जो आपको नॉलेज है, पहले का जो नॉलेज है उसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं, चिकित्सा पद्धति कर रहे हैं या औषधि देना। ओके, फिर अपन इसमें सेकंड जो अपना आएगा वो होगा अपना रेशनल। रेशनल या फिर फार्मेको थेरेपी, फार्मेको थेरेपेटिक्स, ये अपने क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, वैज्ञानिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर औषधि या चिकित्सा देना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत हो गए, किसी को एसिडोसिस हो गया, क्या हो गया, रूमिनल एसिडोसिस हो गया, क्या हो गया, रूमिनल एसिडोसिस हो गया। अब रूमिनल एसिडोसिस यानी एसिड बहुत ज्यादा बन गया। अब इस एसिड को कंपनसेट कौन करेगा, इस एसिड को कौन कंपनसेट करेगा, वही तो अपन दवा देंगे। तो ये किसने सिद्ध, ये सिद्ध किसने सिद्ध किया, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि भाई अगर किसी को रूमिनल एसिडोसिस हो रहा है तो आप लोग उसको सोडा बाइकार्ब दे दो। तो रूमिनल एसिडोसिस के अंदर अपन क्या करते थे हैं, सोडा बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट अपन क्या करते हैं, दवा के रूप में यूज में लेते हैं। आपको पता होगा जब जब भी कोई जानवर जो होता है रूमिनल, खास करके जिनके रूमन होता है, उन लोग वो अगर बहुत ज्यादा अगर धान खा लेते हैं, जैसे अगर किसी ने ज्यादा गेहूं खा लिया, मक्का खा लिया, या फिर किसी ने अगर चाशनी बहुत ज्यादा पी ली, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उसकी वजह से एसिड बन जाता है, बहुत ज्यादा एसिडोसिस हो जाता है। और वो जब एसिड ब्लड में जाता है तो कई बार इसमें जानवर की मृत्यु तक हो जाती है, इसमें आफरा भी आता है। तो उसके अंदर हम लोग बोलते हैं भाई मीठा सोडा, या फिर अपन उसको सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं। तो ये क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है ये जो पद्धति है। अब तीसरी जो होगी अपनी, अपन इसके अंदर तीसरी जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे स्पेसिफिक थेरेपी। स्पेसिफिक अपन किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक थेरेपी की अपन बात करते हैं। अब आप समझे कि इस स्पेसिफिक थेरेपी का लिटरल मीनिंग क्या है। स्पेसिफिक थेरेपी का लिटरल जो मीनिंग है वो कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने देखा और आपको पता चला कि भाई इसके अंदर तो यही दवा काम करेगी, इसके अलावा कोई दवा काम नहीं करेगी। कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी को थैलेरियोसिस हो गया, आपने उसको डायग्नोसिस कर लिया कि भाई इसको थैलेरियोसिस है, या तो आपने ब्लड स्मियर का टेस्ट कर लिया कि उसके अंदर आपको थैलेरिया का जो ना अपना पैरासाइट है वो दिखाई दे गया, या फिर थैलेरिया का जो ब्लड प्रोटोजोन होता है वो अपन को दिखाई दे जाता है, या फिर अपन को
अपन ने उसकी जो बाहरी जो है गुण, जैसे उसके लिम्फ नोड है, जो पेरिफेरल लिम्फ नोड है, उनमें अगर सूजन आ रही है, हमने उसकी आंखें देखी तो वो अपन को उसमें अगर वाइटिस दिखाई दे रही है, फिर अपन को उसमें खून की कमी नजर आ रही है, वो पशु है जो एनीमिक हो गया, कमजोर हो गया, उसमें जो लक्षणों के आधार पर और लेबोरेटरी डायग्नोसिस के आधार पर जब अपन ने फिक्स कर लिया कि यहाँ पर थाइलेरिया रोग है, तो अपन थाइलेरिया की स्पेसिफिक थेरेपी अपन क्या देते हैं उसके अंदर, बुपारवाकिनोन का इंजेक्शन का अपन लगाते हैं, और वह उसका स्पेसिफिक है कि थाइलेरिया होगा, बुपारवाकिनोन लगेगा तो अपने क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि जब अपन सर्रा रोग की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर SURAL, सुरल जो होता है वह एकदम इफेक्टिव है। तो हम स्पेसिफिक थेरेपी का मतलब क्या हो गया कि भाई जो रोग है उसका एकदम स्पेसिफिक एंटीडोट या फिर उसका स्पेसिफिक एक ट्रीटमेंट होता है कि भाई ये ट्रीटमेंट तो इस पर एकदम बढ़िया से काम कर जाएगा। तो स्पेसिफिक थेरेपी के अंदर क्या होगा, विशिष्ट विशिष्ट स्पेसिफिक थेरेपी का मतलब हो गया विशिष्ट रोग के प्रति विशिष्ट औषधि, स्पेसिफिक डिजीज के लिए विशिष्ट रोग, यानी कोई स्पेसिफिक रोग है ना, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसको स्पेसिफिक ही उसको औषधि दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया सर्रा रोग जो है, सर्रा ऊंटों के अंदर होता है सर्रा ना, तो सर्रा रोग में अपन क्या दे रहे हैं, सुरल, SURAL, सुरल, ये क्या है, नेम ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया जैसे अपन को थाइलेरिया हो गया, थाइलेरिया एक रोग होता है, थाइलेरिया बहुत कॉमन है फील्ड के अंदर, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है थाइलेरिया। थाइलेरिया में अपन क्या देते हैं, ब्यूपारवा क्यूनॉन, अपन ब्यूपारवाक्विनोन थाइलेरिया के अंदर देते हैं। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक थेरेपी हो गई। इसके बाद में अपन जब बात करते हैं इसकी, तो एक आता है ट्रीटमेंट अपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, क्या आ गया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक थेरेपी मान लो आप, सिम्टोमेटिक थेरेपी। सिम्टोमेटिक थेरेपी के अंदर क्या करते हैं कि जो आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको कोई अगर किसी को उल्टी हो रही है तो अपन उल्टी रोकने की दवा दे दी, अगर कोई सर दर्द कर रहा है तो सर दर्द रोकने की दवा दे दी, अगर ये किसी का पेट दर्द हो रहा है तो उसको पेट दर्द की दवा दे दी। तो ये क्या कहलाता है, सिम्टोमेटिक थेरेपी। स्पेसिफिकली जब अपन बात करते हैं वायरल डिजीज, विषाणु जनित जितने भी रोग होते हैं ना, उनमें हम लोग क्या करते हैं कि विषाणु को मारने के लिए जो दवा होती है वो हम लोग जनरली काम में नहीं लेते। हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, अगर कोई भी वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है, तो उसके अंदर हम लोग सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर मान लीजिए अगर किसी को उल्टी और दस्त हो रहा है तो हम उल्टी रोकने की दवा देंगे, दस्त रोकने की दवा देंगे। अगर किसी को जुकाम हो रहा है तो हम उसको उसके हिसाब से दवा देंगे। अगर किसी को बुखार आ रहा है तो अपन एंटीपायरेटिक देंगे। तो सिम्टोमेटिक थेरेपी यानी लक्षणों के आधार पर औषधि देना, लक्षणों के आधार पर औषधि देना। जैसे पेट दर्द हो रहा है, अगर किसी का पेट दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ा चल रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको, डाइसाइक्लोमिन। देखते देखो अगर कोई बछड़ा होता है ना, जो कई बार हम लोग अपन लोग देखते हैं, जैसे कि बछड़ो है आराम से ना अपने बैठे हुए बैठे बैठे अचानक से तड़ाफा तोड़ना लाग जाए, लाता मारन लाग जाए ना, तो आप कहेंगे ना मैंने डाइसाइक्लोमिन की या तो गोली दे दो या फिर भी ना इंजेक्शन लगवा दो, तो इससे क्या हो जैसी आपने देखो पेट दुखनो बंद हो जाती। बहुत सारी है इसके अंदर अपन बात करें। सिम्टोमेटिक थेरेपी के अंदर देखिए कुत्तों का अपन इलाज होता है, कुत्तों के अंदर एक पार्वो डिजीज होती है, पार्वो वायरस का इन्फेक्शन होता है, कुत्तों में पार्वो वायरस का इंजेक्शन इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे एक प्रेस्क्रिप्शन बताते हैं आपको, पार्वो वायरस के इन्फेक्शन के अंदर आप लोग क्या करेंगे, कुत्तों के अंदर हम लोगों ने देखा सबसे पहले हम उसको क्या देंगे, उसके अंदर उल्टी दस्त होते हैं,
उल्टी, दस्त होता है मेनली पारवोवायरस के इन्फेक्शन में, मेनली क्या होगा, उल्टी दस्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दस्त जो होंगे उनमें और उल्टी दोनों में खून भी आने लग जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन उल्टी रोकने के लिए दवा देंगे। अब उल्टी रोकने के लिए दवा भी कौन कौन सी आती है, तो हम लोग उल्टी रोकने की दवा होती है वो ऑन्डेंसिट्रॉन देंगे। इन ऑन्डेंसिट्रॉन का इंजेक्शन भी आता है, दवा पिलाने की भी आती है। नॉर्मली हम लोग उसको ऑन्डेंसिट्रॉन देते हैं। दस्त अगर लग रहा है तो हम लोग उसको मेट्रानिडाजोल देंगे, ठीक है। मेट्रानिडाजोल के अलावा ऑफ्लोक्साइसिन ऑनिडाजोल भी आती है, वो भी अपन देते हैं। उल्टी दस्त की वजह से अगर शरीर में लगातार पानी की कमी आ रही है तो अपन उसको DNSRL ये भी देंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अपन इसमें वायरस को नहीं मार रहे हैं, वायरस को हमारी बॉडी खुद मार देगी, ठीक है। पर हम उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उससे उसको रिलीफ दिला रहे हैं, ओके। तो इसके बाद में अपना कौन सा हो गया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद में अपन बात करेंगे प्लेसिबो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसिबो या एक्सपेक्टेंट, इसको अपन एक और नाम से बोलते हैं, एक्सपेक्टेंट। यहां पर क्या होता है, प्लेसिबो एक्सपेक्टेंट में क्या होता है, रोग कुछ नहीं होता लेकिन उसके मालिक को, जो पशु का जो मालिक हो उसको ऐसे लग रहा है मेरा पशु बीमार है। तो अब क्या है, उसकी जो दिमाग है उसको शांत करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक दो टीके लगाते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, नॉर्मली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टीका लगा दिया, जस्ट उसके उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई ट्रीटमेंट कर दिया। तो इसमें क्या होता है, ऑनर का हमारे साथ भी होता है, कई बार अपन ने देखा होगा बीमारी कुछ नहीं होती। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, फिर कई बार बड़े भी होते हैं, क्लास नहीं जाना होता तो अचानक से कहने लग जाते हैं पेट दुख रहा है मेरा, तो पेट दुख रहा है ऐसे करने लग जाते हैं। तो वो क्या है, प्लेसिबो, उनको जस्ट ऐसा फील हो रहा है। तो हम प्लेसिबो के अंदर क्या करते हैं, संतुष्टि के लिए, ठीक है, जो पशु जो पशु के मालिक की संतुष्टि हेतु कुछ उपचार देना, पशु के मालिक की संतुष्टि हेतु कुछ उपचार देना जबकि वास्तव में कोई बीमारी होती ही नहीं है। प्लेसिबो आपने ऐसे दे दिया, उसको ऐसे अचानक से देखते देखते लगने लगे डॉक्टर साहब आजकल तो खाओ पियो कौन नहीं, आपने उसको कोई ना ये जो अपने बायोबूस्ट का बोलस आ गया, फ्लोरोसेक आ गया, ऐसी कोई एक दो टैबलेट दे दी, कोई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उसको टीका लगा दिया। तो ये क्या आता है, एक्सपेक्टेंट या फिर प्लेसिबो के अंदर आता है। हम लोग उसकी संतुष्टि के लिए, हाँ भाई तेरे जानवर का हमने इलाज कर दिया, तो ये उसकी संतुष्टि के अपन क्या करते हैं, उसको एक ट्रीटमेंट देते हैं जिसका नाम अपन रखते हैं प्लेसिबो या फिर एक्सपेक्टेंट, ठीक है। तो अभी तक अपन ने नेक्स्ट जो अपना आएगा वो एसेसरी में आएगा, एसेसरी थेरेपी या फिर हम उसको सपोर्टिव थेरेपी भी बोलते हैं, एसेसरी थेरेपी या फिर जब अपन उसको एसेसरी या फिर सपोर्टिव थेरेपी बोलते हैं। एसेसरी थेरेपी या सपोर्टिव थेरेपी है ना, वास्तव में इसका ट्रीटमेंट पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एसेसरी का मतलब सहायक चिकित्सा, ये वास्तव में इसका उपचार में कोई आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर किसी को कोई बैक्टीरियल डिजीज हो रही है तो बैक्टीरिया को वास्तव में कौन मारेगा, जीवाणु जो होगा, जीवाणु को वास्तव में मारेगा कौन, कोई भी एक एंटीबायोटिक आएगी जो कि उस कीटाणु को खत्म करेगी, है ना। चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव, हम उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी एक एंटीबायोटिक काम में लेंगे, हम उसको खत्म करेंगे। तो वहां पर कीटाणु जो प्रेजेंट था उसको कोई और ही मारेगा, लेकिन वास्तव में सपोर्टिव थेरेपी क्या काम करती है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है। सपोर्टिव थेरेपी ये काम करेगी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमने कोई एक ट्रीटमेंट किया, हमने
कोई एक इलाज किया जो जिसमें हमने सहायता ली ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ये एक औषधि का नाम है, एक एंटीमाइक्रोबियल या फिर अपन इसको एंटीबायोटिक भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वह जब अपन इसका इंजेक्शन लगाते हैं तो शरीर में अच्छा बुरा कुछ नहीं देखती, ये अच्छा बुरा नहीं देखती है, जितने भी इसके इसकी ब्रॉड रेंज है, ये ना बैक्टीरिया को भी मारेगी ना अपने जो प्रोटोजोआ उनको भी किल कर देगी, ठीक है। तो ये जो अच्छा भी होंगे कुछ हमारे क्या होते हैं शरीर के अंदर पाचन में मदद करते हैं, जैसे रूमन के अंदर कुछ प्रोटोजोआ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं, तो ये क्या होगा अच्छा बुरा कुछ नहीं देखेगा सबको मार देगा। तो जब जो पाचन में मदद कर रहे थे जो ये क्या होंगे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन क्या करेगा अच्छे बुरे किसी को नहीं देगा सबको मार देगा, सबको मार देगा यानी जो पाचन के अंदर मदद कर रहे थे वो भी खत्म हो गए। तो हम इसमें क्या करते हैं जब भी हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का टीका लगाते हैं तो हम साथ में अपन लोग एक कोई भी एक ऐसी दवा देते हैं जिससे कि वहां पर जाकर वो बैक्टीरिया जो अपन ने जिस चीज की कमी आई है वो चीज वहां पर वापस सेटल हो जाए, इसीलिए अपन बायोबूस्ट बोलस या फिर फ्लोरो सेक का जो बोलस आता है, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, मेरे हिसाब से फ्लोरो सेक का बोलस आता है ये, या फिर वोकाजेस्ट आता है, तो इन सब में क्या है इन सब में यीस्ट होता है जो कि अल्टीमेटली पशु के पाचन के अंदर मदद करता है। अल्टीमेटली क्या काम करता है वहां पर अगर किसी भी चीज की कमी आएगी तो वहां पर अपन यीस्ट पहुंचाएंगे तो वो वापस वहां पर जाकर क्या करेगा डाइजेशन के अंदर हेल्प करने लग जाएगा। तो ये सहायक चिकित्सा पद्धति है, सहायक चिकित्सा पद्धति में हम कुछ दवाइयां भी देते हैं या फिर एक सहायक चिकित्सा पद्धति के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि देखिए सहायक चिकित्सा पद्धति के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स आते हैं, इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल थेरेपी। सहायक चिकित्सा पद्धति का सबसे पहला जो पार्ट होगा उसको अपन बोलेंगे मैकेनिकल थेरेपी, ठीक है। मैकेनिकल थेरेपी में कसरत या मालिश द्वारा उपचार, तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो पहले तो उसको प्लास्टर बांध देते हैं और फिर उसको बोल देते हैं रेस्ट कर, और जब वो प्लास्टर खुल जाता है तो उसको कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई जाती है कि इस तरीके से आप पैरों को लाइए और थोड़ी बहुत मालिश भी बताई जाती है कि इस तरीके से आप मालिश कीजिए, तो वो क्या है सपोर्टिव थेरेपी या फिर एसेसरी थेरेपी है जिसको इसमें मैकेनिकल थेरेपी का नाम दिया जाता है। जो दूसरा है वह फिजिकल या थेरेपी में कौन क्या चीजें आएगी ठंडे या गर्म द्वारा वस्तु या कपड़े से शिकाव या फिर शेक। तो फिजिकल थेरेपी के अंदर आप क्या करेंगे टेम्परेचर, मतलब जैसे कि मान लीजिए ताजा चोट लगी है एकदम से, तो हम उसमें क्या करते हैं ठंडे बर्फ का सिकताव करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग वहां पर ठंडे पानी डालेंगे या फिर कोई ठंडी चीज का अपन सिकताव करेंगे कपड़े का या फिर किसी भी चीज का अपन वहां पर सिकाव अगर करते हैं, अगर पुरानी चोट हो चुकी है, ठीक है, तो वहां पर अपन किसी गर्म चीज का सिकताव करते हैं, वहां पर गर्म कपड़ा लगाएंगे या फिर कोई भी चीज लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा किसमें आएगा फिजिकल थेरेपी। तो अपना फर्स्ट जो था मैकेनिकल थेरेपी, दूसरा जो था फिजिकल थेरेपी, तीसरा जो है वो है हेलियोथेरेपी। सूर्य की किरणों द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, सूर्य की किरणों द्वारा उपचार, तो सूर्य की किरणों द्वारा जो उपचार होगा उसको अपन हेलियो में कंसिडर करेंगे, 100% एग्जाम में आएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेलियोथेरेपी का एग्जाम में आया हुआ भी है, प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में आया हुआ भी है। और इसमें क्या होता है, सूर्य किरणों के द्वारा आपके अगर विटामिन डी की कमी आ रही है अगर किसी को भी, तो वहां पर क्या होता है कि उनको सूर्य की किरणों के द्वारा उपचार हो सकता है। जैसे कि क्या होता है, कई बार बताया जाता है कि अपने कुछ अफगानिस्तान वगैरह कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ की फीमेल्स जो होती है वो दिन भर घर के अंदर रहती है और बाहर निकलती है तो पूरा ब्लैक कलर का अपने आप को आउटफिट के अंदर यानी बुरके के अंदर पूरा कवर करके रखती है। तो उनमें क्या होती है, धीरे धीरे वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वाइटामिन डी हमेशा सूर्य के किरणों की प्रेजेंस में बनता है स्किन के अंदर। तो सूर्य की किरणें उनको नहीं मिल रही है तो वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है। तो उनके उपचार के रूप में क्या कहा जाता है कि आप धूप में बैठें। वैसे ही हम लोगों के लिए भी कुछ देर धूप में बैठना जरूरी होता है ताकि वाइटामिन डी बनता रहे। तो सूर्य की किरणों के द्वारा उपचार के अंदर क्या आएगा, हेलियोथेरेपी। ठीक है, चौथा जो है उसका नाम है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी पानी के द्वारा उपचार। हाइड्रोथेरेपी जिसके अंदर हम पानी के द्वारा उपचार काम में लेते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट है अपना, डाइटिक थेरेपी। भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता को निर्धारित कर उपचार देना। भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता को निर्धारित कर उपचार देना। डाइटिक, डाइट का मतलब क्या होता है, आजकल सुना होगा ना, कई जो होते हैं लोग आप में ऐसे कहते रहते भाई मैं तो अभी डाइट पे हूं। डाइट का मतलब क्या हो गया, आप भोजन की मात्रा और गुणवत्ता को क्या कर रहे हैं, कम या ज्यादा कर रहे हैं। निर्धारित करने का मतलब हो गया यहां पर कम या ज्यादा। अगर कोई एकदम दुबला पतला सा है तो उसको कहेंगे भाई दो रोटी ज्यादा खा लिया कर, और अगर एकदम थोड़ा हेल्दी वेल्दी है तो उसको अपन बोल देंगे भाई थोड़ा कम खाया करो। इसी तरीके से जैसे नॉर्मली क्या होता है जानवरों के अंदर होता है कि भाई डाइटिक थेरेपी का मतलब हो गया उसको क्या, उसको उसकी डाइट को पहचानना। या फिर जैसे कि मान लीजिए मैं आपको डाइटिक थेरेपी की बात जब बताऊंगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कई बार रीनल फेलियर होता है या फिर कई बार लीवर फेलियर होता है, सॉरी रीनल फेलियर की नहीं, अपन बात करते हैं यहां पर एसाइटिस की। एसाइटिस एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, शरीर की जो बॉडी कैविटी है, हमारी जो शरीर की कैविटी उसके अंदर पानी भर जाता है, उसमें कोई फ्लूड क्या होता है एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वो जैसे एसआईटिस के अंदर क्या होता है कि आप देखेंगे जैसे ना पेट होता है, हमने कई बार सुना होगा आप लोग उन्हें सुना होगा कि जैसे कहते हैं कि तो पेट में पानी भर गयो तो डॉक्टर पानी निकालो भी कहते है ना, तो पानी निकलो तो भी उस हिसाब से क्या होता है, एसाइटिस जो होती है वो जब एनिमल खड़ा होगा तो उसका पेट जो होगा वो एकदम से पॉट बैली मतलब एकदम से आपको घड़े नुमा दिखाई देगा, और जब हम उसमें सुई प्रिक करते हैं तो उसमें क्या होता है बहुत सारा फ्लूड बाहर आता है। तो बॉडी कैविटी के अंदर हमारी जो उदर गुहा है ना, शरीर की जो गुहा है उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ भर जाती है, पानी भर जाता है या कोई फ्लूड भर जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एसाइटिस। अब एसाइटिस होने के पीछे कारण क्या है ये समझेंगे आप, तभी हम समझेंगे डाइटिक थेरेपी को। तो एसाइटिस होने के पीछे कारण क्या होता है, कारण रहता है कि रक्त जो होता है ये रक्त वाहिका है, ये क्या है रक्त वाहिका। इसके अंदर ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। क्या नाम है, एल्बुमिन। ये क्या करता है, यहां पर पानी जो होता है ना उसको अपने चारों तरफ बांध के रखता है। हाइड्रो पानी, पानी को क्या करेगा,
अपने चारों तरफ बांध के रखता है ताकि ये पानी जो है रक्त वाहिका के अंदर ही रहे। अब यहाँ पर अगर ये एल्बुमिन की कमी हो जाएगी तो ये पानी क्या होता है, यहाँ से इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं रक्त वाहिका में, वहां से निकल के बाहर आ जाता है और उधर गुहा के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी, कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन की कमी की वजह से एसआईटिस हो रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर डाइटिक थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, अपन डाइटिक थेरेपी में हम लोग करते हैं कि भाई उसको प्रोटीन दो, उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो हम कहते हैं कि प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट दीजिए, प्रोटीन डाइट दीजिए इसे, तभी ये ठीक होगा क्योंकि इसके शरीर में प्रोटीन की कमी आ चुकी है। तो हम उसको बोलेंगे भाई इसको चने की दाल की रोटी खिलाओ या फिर कोई दाल दाल ज़्यादा मात्रा के अंदर दो, क्योंकि अगर शाकाहारी है तो उसके अंदर दाल में ही मैक्सिमम प्रोटीन होगा, और अगर कोई अंडे वगैरह खा रहा है तो हम उसको बोलेंगे भाई इनको इसको अंडे खिलाओ, ठीक है। तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो हम उसको बोलेंगे भाई अगर ये मांस खाता है तो इसको मांस खिलाओ, जैसे कुत्तों वगैरह के अंदर हम नॉर्मली एग्स वगैरह को प्रीफर करते हैं क्योंकि अंडे के अंदर एल्बुमिन अच्छी मात्रा के अंदर रहता है। तो हम उसको हम कंसिडर करेंगे डाइटिक थेरेपी के अंदर, किसमें डाइटिक थेरेपी के अंदर हम लोग डाइट के अंदर कोई चीज को ऐड करके उसको जोड़ के या फिर उसको घटा के हम क्या करते हैं डाइटिक थेरेपी अपन लोग देते हैं। एक होती है साइको, PSYCHO, साइकोलॉजिकल थेरेपी, अब साइकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर क्या होता है, किसी की साइकोलॉजी ऐसे बन जाती है ना कि साइकोलॉजिकल थेरेपी, जैसे एक बीमारी होती है हिस्टीरिया, उसके अंदर होता नहीं है रोग लेकिन लगता है कि मेरे अंदर वो बीमारी है। अब शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसको लग रहा है मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे तो उल्टी होगी, मुझे तो एकदम से घबराहट सी हो रही है, तो वो साइकोलॉजिकल डिजीज होती है। आप ब्लड रिपोर्ट वगैरह देखेंगे सब कुछ एकदम नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, लेकिन वह आपको वह बार बार कहेगा कि मेरे को तो ये हो रहा है, मेरे बैठे बैठे को पसीना छूटने लग जाएगा एकदम से, तो ये क्या है साइकोलॉजिकली उसको पूरा ब्रेन हैंडल कर रहा है, उसको किसी चीज से फियर है या फिर वो किसी चीज के अंदर किसी अगर हम ये कहें कसमस के अंदर है तो उसमें क्या होंगी ये सारे चेंजेस होने लग जाएंगे। तो साइकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर हम हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन के द्वारा सम्मोहन हिप्नोटिज्म के द्वारा सम्मोहन के द्वारा उपचार करना। तो साइकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि उसको हिप्नोटिज्म, आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार मूवी वगैरह के अंदर एक पेंडल सा ले लेते हैं, उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं और वो फिर उसको ऐसे देखते देखते फिर उसको कहते हैं कि अब मैं जो कहूंगा वही तू करेगा, तो वो हिप्नोटिज्म या फिर सम्मोहन होता है। तो सम्मोहन के द्वारा उपचार करना किसके अंदर आएगा, साइकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर। साइकोलॉजिकल थेरेपी के बाद में अपने बारी आती है प्रिवेंटिव मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेडिसिन के दो पार्ट होते हैं, एक तो क्लिनिकल पार्ट होता है और एक प्रिवेंटिव पार्ट होता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन या फिर प्रिवेंटिव थेरेपी क्या कहती है, प्रिवेंटिव थेरेपी आपसे कहती है कि आप रोग होने से पहले उसको रोक दो, रोग होने से पहले उसको रोकना क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसके अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं टीकाकरण के द्वारा अनुमानित रोग को होने से पहले रोकना, अनुमानित रोग को होने से पहले रोकना। आप समझे इस बात को, अभी जस्ट अपने ना फुट एंड माउथ डिजीज खुरपका मुंहपका का टीकाकरण अभियान चला था, क्यों चला था भाई, क्योंकि पता है कि सर्दियों के मौसम जैसे ही दिसंबर जनवरी आएगा वैसे ही गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर क्या होगा मुहाप या फिर खुरपका मुंहपका फैलने लग जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है सितंबर अक्टूबर के अंदर ही क्या करती है उसका टीकाकरण करवाती है, ताकि उस टीकाकरण अगर हो जाएगा तो जानवर में आने वाले समय के अंदर वह डिजीज नहीं होगी। इसका एक सिंपली आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पोलियो की दवा तो सभी पीते हैं, तो पोलियो की दवा क्या है वैक्सीनेशन टीकाकरण, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर ही आता है। पोलियो की दवा पी ली यानी अगर कोई भी अगर बच्चा जो होता है पोलियो की दवा पी लेता है यानी उसने अपने आप को क्या किया पोलियो होने से रोक लिया, प्रिवेंट कर लिया, बचा लिया, तो वह प्रिवेंटिव थेरेपी के अंदर आएगा।
तो अब अपन ने इतना सब कुछ पढ़ा, इसके बाद में एक दो चीजें हो रहा है। ड्रग, ड्रग क्या है? ड्रग औषधि, औषधि क्या होती है? हमारे पास कोई भी तत्व है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके जो क्वालिटी है उसमें औषधि को अपन किस रूप में काम में ले सकते हैं, हम उसकी पहचान करते हैं। वे तत्व जो किसी रोग को होने से रोकने की क्षमता रखते हैं। कैसे? ड्रग क्या है? वे तत्व जो किसी रोग को होने या ठीक करने होने से रोक लेना। एक सेकेंड रुके आप, होने से रोकने या ठीक करने की क्षमता रखते हैं। ड्रग औषधि या तो होने से रोकने, जैसे अपन ने प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात की तो अपन क्या करते हैं कि भाई होने से रोकेगा, या फिर उसको ठीक करने की, भाई मुझे बुखार आ गया, मैंने कोई एंटीपायरेटिक, कोई पैरासिटामोल ले ली, उसने मेरे को बुखार को ठीक कर दिया, तो बुखार की पैरासिटामोल क्या है, वो एक ड्रग है। तो हम लोग वे तत्व जो किसी भी रोग को होने से रोकने या फिर उसको ठीक करने की क्षमता रखते हैं उसको अपन ड्रग कहते हैं। और पेटेंट ड्रग, ये सबसे बड़ी बात है, पेटेंट ड्रग क्या होती है? पेटेंट ड्रग क्या होती है? पेटेंट एक एक ऐसे मानिए, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट भाई, मैंने किसी दवा की खोज की, मान लीजिए मैंने एक्स दवा की खोज की, अब मैं जाऊंगा पेटेंट ऑफिस, ठीक है, वहां कहूंगा कि भाई मैंने इस दवा की खोज की है, अब इसका निर्माण और इसका बेचना जो भी होगा वह मैं ही करूंगा, इसका संपूर्ण अधिकार मेरे पास होगा, मैं उसको इस चीज से रजिस्टर करा लूंगा। अब उस दवा को कोई और नहीं बना सकता, उस दवा को कोई और बना नहीं सकता और बेच नहीं सकता जब तक कि मैं उसको लिखित में नहीं दे दूं। मैं उसको लिखित में दूंगा कि भाई तू इस दवा को बना ले, बेच ले, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो कुछ पैसे देगा। तो पेटेंट ड्रग, पेटेंट ड्रग का मतलब होता है किसी भी दवा या औषधि का, औषधि का पेटेंट करवाकर, पेटेंट करवाकर उसका निर्माण, उसका निर्माण एवं विक्रय, विक्रय का मतलब होता है बेचना, निर्माण एवं विक्रय का संपूर्ण अधिकार या स्वामित्व प्राप्त करना। ये ड्रग और उसका पेटेंट। अब इसके बाद में छोटी मोटी सी कोई डोज ड्रग, छोटी मोटी सी कोई अपन एक दो तीन बातें हैं, खाली डोज के बारे में हल्का सा अपन आइडिया देता हूं कि भाई कोई मिनिमम डोज क्या होती है। एक तो होता है मिनिमम डोज, मिनिमम डोज, एक होता है मैक्सिमम डोज, मैक्सिमम डोज, और एक होता है लीथल डोज। ये बस छोटा सा एक पार्ट है, ये बस एक अपन समझ लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम डोज किसी भी औषधि की वह न्यूनतम मात्रा जो कि अपना प्रभाव दिखाने, उस शरीर पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए आवश्यक होती है। यानी किसी भी औषधि, आपने कोई भी दवा ली तो उसकी वह न्यूनतम मात्रा जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जो कोई भी रोग हो रहा है उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाए, तो वह उसकी होती है मिनिमम डोज। मैक्सिमम डोज होती है किसी भी औषधि की वह मात्रा जो कि हम, वह अधिकतम मात्रा जब तक कि शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव न दिखाई दे। और लीथल डोज होती है कि किसी भी औषधि की वह मात्रा जो कि शरीर पर घातक प्रभाव उत्पन्न करे। तो जैसे कि अपन लोग मान लीजिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की 5 to 10 mg पर केजी बॉडी वेट है, हम लोग बोलते हैं कि जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है वह 5 से 10 mg पर किलो पर अपन दे सकते हैं। तो 5 उसकी क्या होगी, मिनिमम डोज।
कि भाई 5 तो इतनी देनी पड़ेगी, 5 से कम दोगे तो शरीर पर कोई काम नहीं होगा, और 10 होगी उसकी अधिकतम डोज, 10 से ऊपर देंगे तो नकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। ठीक है, तो 5 मिनिमम और 10 मैक्सिमम, तो हमने बात की इसके बारे में, एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया इसके अंदर। तो मिनिमम डोज क्या होती है, किसी भी औषधि की वह न्यूनतम मात्रा, किसी भी औषधि की वह न्यूनतम मात्रा जो कि शरीर पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए आवश्यक हो। दूसरा मैक्सिमम डोज, किसी भी औषधि की वह अधिकतम मात्रा, औषधि की वह अधिकतम मात्रा जिसके पश्चात जब तक शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना आए। और तीसरा होगा लीथल डोज, यानी किसी भी औषधि की वह मात्रा जहां वह शरीर पर घातक प्रभाव दिखाए, यानी किसी भी लिथल डोज होती है, अगर आप वो डोज अगर देंगे तो वह शरीर पर क्या होगी, शरीर को डैमेज करेगी, शरीर पर घातक होगी, वह शरीर को मार भी सकती है। तो आज अपन ने काफी हद तक अपन ने बात की मैट्रिया मेडिसिन की, बात की थेरेपेटिक्स की, बात की और थेरेपेटिक्स में अपन ने मैट्रिया मेडिसिन के अंदर भी उसके जो फार्माकोग्नोसी है, अपने जो फार्मेसी है, पोस्टोलॉजी, इसके बारे में आपको बताया। थेरेपेटिक्स में मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से अपन कितनी कितनी तरीके की थेरेपी दे सकते हैं, और उसके बाद में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है डोज के बारे में, मिनिमम डोज, मैक्सिमम डोज और लीथल डोज। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट है जो टॉक्सिकोलॉजी है, जिसमें अपन विष और विषाक्तता का अध्ययन करते हैं। तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं।